नमस्ते दोस्तों, एस परमिला किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कटहल की सब्ज़ी बना रहे हैं। देखिए, हम हाथ में तेल लगा लेते हैं, कटहल को काटेंगे। अभी हाथ में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। कटहल में जो दूध निकलता है वो हाथ में लग जाएगा तो दो तीन दिन तक ड्राई ड्राई लगता है, इसलिए ऐसे हम देखिए कट कर लेते हैं। हम कट कर लेते हैं, देखिए इस तरह से हम छील लेंगे। थोड़ा ध्यान से छीलिएगा, देखिए इस तरह से, और हम काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़े में, देखिए इस तरह से हमने काट लिया। आधा कटहल को बना रहे हैं, और पानी गर्म कर देते हैं और थोड़ा सा हम उसको गर्म पानी में धो लेंगे। थोड़ा सा उबाले हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि उसका कालापन चला जाए, इसलिए ऐसे में सब्ज़ी फिर काला काला दिखेगा। कढ़ाई में हम तेल डाल लेते हैं, उसके बाद उसमें हल्दी नमक डाल के हम जो कटहल धो के रखे थे उसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह से पाँच मिनट तक भुने हैं अच्छे से, देख सकते हैं इस तरह से। देखिए भून लिया। अब हम मसाला बना लेते हैं। दो प्याज ले लिया है, और लहसुन, अदरक और लाल मिर्च के काली मिर्च के पाउडर है, पेस्ट बना लिया गया है। देखिए अब हम एक कटोरी तेल डाल देते हैं, और जो खड़ी मसाला लिया था वो डाल देंगे, उसको भी अच्छे से भून लेंगे। फिर प्याज आधा कटा हुआ डाले हैं, और जो पेस्ट बना के रखे थे उसको भी डाल देते हैं। हम उसको भी भून लेते हैं अच्छे से, मसाला को कुकर में बनाएंगे। कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बनता है। एक बड़ा सा टमाटर लिया है। अगर कटहल को कढ़ाई में बनाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा पकाने में। नमक डाल देते हैं, ये गरम मसाला है घर का, धनिया के पाउडर, ये हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छे से सबको मिक्स करके भून लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह पानी डाल के भून लें अच्छे से। देखिए इस तरह से भून लेते हैं। अब हम कटहल डाल देंगे, जो भुना हुआ कटहल था वो, उसके बाद पाँच मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए इस तरह से पानी डाल डाल के, देखिए पानी डाल दिया है, जितना पानी डाला है जितना छुप सके कटहल है। दिखाते हैं, तीन चार सीटी हमने लगा लिया है। हम कढ़ाई में खाली कर दिया गया है, दिखाते हैं कैसे कितना पका है। देखो कितना अच्छा पक गया है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं।